बसमिल इब्राहिम अब देखिये इससे पहले इन लोगों ने दावा किया था ना कि इब्राहिम के हम दीन पर है और हम ही जन्नत में जाने वाले हैं वो सारों के अभी जवाब आ रहे हैं यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहूद और नसारा के मुतालिक आयत नंबर वन थर्टी वमू अन मिलती हरफ़ वफ है कंजंक्शन है कनेक्ट करने के लिए काम आता है वाव का मतलब है और मन जो ठीक है और जो यब अन अब देखें याद रखें यहाँ पे रग, रगबा रगबत का मतलब होता है किसी की तरफ इंक्लाइन होना किसी की तरफ झुकना लेकिन रग़बा के दो मीनिंग हो जाते हैं अगर वो रगीबा इला हो और रगीबा अन हो दो अलग अलग तर्जुमे आएंगे जिस तरह हमने देखा था ताबा अला ताबा इला। उसी तरह रगीबा इला और रगीबा अन जब रगीबा इला होगा तो किसी की तरफ इंक्लाइन होना किसी की तरफ माइल होना किसी की तरफ रगबत हो जाना ठीक है मतलब किसी की तरफ तबीयत का माइल होना रगीबा इला है और रगीबा अन का मतलब होता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है यानी yani, रग, रगबत किसी की तरफ होना रग़ीबा इला उसकी तरफ मुतवज्जे होना उसकी तरफ रगबत रखना और रगीबा अन यानी उससे दूर हो जाना उससे रगबत खत्म हो जाना उसकी तरफ से मैलान खत्म हो जाना तो रगीबा अन है ठीक है तो यहाँ पर रगीबा इला यानी उसकी तरफ माइल होना रगीबा अन यानी उससे दूर हो जाना वमन और जो जो देखे अन आ गया ना अन आ गया इसका मतलब जो इससे दूर होगा उसकी रगबत नहीं रखेगा और जो रगबत नहीं रखेगा या दूर हो जाएगा उसके मेलान से जो दूर हो जाएगा जो फेर लेगा अपने आप को मिल्ल इब्राहीमा मिल्लत मिल्लत कहा जाता है तरीके को वे यानी किसी का जो तरीका है उसको कहा जाएगा यहाँ पर मिल्लत का तर्जुमा ले लेंगे हम मजहब मजहब इब्राहिम की मिलत इब्राहिम के मजहब से और जो बेरगबती दिखाएगा दिख सलाम के मजहब से या इब्राहिम के तरीके से इल्ला सिवाय मन अच्छा अब यहाँ पर देखें इल्ला आ गया ना आयत में तो हम इस मन का तर्जुमा कौन में करेंगे और कौन और नहीं रगबत दिलाता है इस तरीके से भी हम तर्जुमा कर सकते हैं और जो रग, बेरगबती दिखाएगा इब्राहिम इब्राहम के मिलत से तो यहाँ पर हम तर्जुमा कौन में कर रहे हैं और कौन है जो बेरगबती दिखाता है मिल्ल इब्राहिम इब्राहिम के दिन से सिवाय मन जो सफीहा नफसहू सफी सफी सफ़ी कहा जाता है बेवकूफ को ठीक है यानी जिस कम अक्ल को कहा जाता है सीन फाहा इसका रूटवर्ड है सफिहा यानी जो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है सफिहा बेवकूफ़ बना रहा है नफ्सू उसकी नफ्स को अपने आप को नफ्स नफ्स यानी यानी और उसकी उसकी यानी अपनी जान को बेवकूफ बना रहा है अपने आप को वो बेवकूफ़ बना रहा है और जो और कौन है जो बेरगबती दिखाता है इब्राहिम असलाम के दीन से सिवाये वो जो बेवकूफ बना रहा है अपने नफ्स को अपने आप को वक़द इस ना हो वह लक़द वतफ है कंजंक्शन है लकद बत्त तहकीक और बेशक लकद अलबत् तहकीक अच्छी उर्दू में हम कहते हैं लक़द का मतलब हम बेशक का भी तर्जुमा कर सकते हैं एम्फेसिस के लिए आता है ये ताकिद के लिए आता है वह लक़द और अलबत् तहकीक इस्तफी हूँ इस्तफी देखिए इसके अंदर इस्तफा जो है आ जैसे हम कहते हैं ना आप सल अल्लाह वसलम का नाम मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा यानी चुना हुआ तो यहाँ पर इस्तफा का मतलब है चुना हुआ दो लफ्ज हैं दोनों का मीनिंग चुना हुआ होता है मुस्तफा और मुजतबा इस्ता या इजतबा दोनों में से कोई भी लफ्ज आ जाएगा तो इसका मीनिंग होगा चुनो, चुना हुआ चुनना चूज करना ठीक है और इसका रूट है स्वाद फा वाव स्वाद फा वाव इस्त चुन लिया ना ना के ऊपर स्टैंडिंग फता है ना यानी हम चुन लिया हमने हु उसको और अलबत् तहकीक चुन लिया हमने उसको उसको किसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर दुनिया फी हरफे जर है प्रपोजिशन है फी यानी इन में फी में दुनिया 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 में और अलबत् तहकीक और बेशक चुन लिया हमने उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में वह इन नहू फिल आखिरती व और हरफ आतफ इन्ना बेशक के लिए आ रहा है यानी बेशक हु वो वो यानी यहाँ पर इब्राहिम के लिए आ रहा है और ये अटैच प्रोनाउन है जमीर यानी वो और बेशक वो यानी इब्राहिम आखिरती फी हरफर है फी यानी मे, आखेरत में अल आखिरती आखिरत में हमजा खौ रूट है दुनिया का वर्ड है दाल नून वाव और बेशक वो आखिरत में ल ये ला नहीं है ल है ल ला में ताकीद है एम्फेटिक लाम है ल अलबत्ता इंडीड बेशक मिन स्वालिहीन मिन हर्फ जर है मिन यानी से और स्वालिहीन स्वाद लाम हा इसका रूट वर्ड है सोले सोले का है जो है सोलिहुन सोले यानी एक नेक आदमी सोलिहीना ईना लग गया तो प्लूरल हो गया नेकोकारों में से नेक नेकी करने वालों में से ठीक है तो ये प्लूरल है ये जो सोले है वो फाइल पैटर्न पर बना हुआ है फाइल यानी काम करने वाला डूर, उसी तरह सोले नेकी करने वाला लाम हा, नेकी और सौले नेकी करने वाला और ईना लग गया तो प्लूरल हो गया नेकी करने वाले और जो बेरगबती दिखाएगा और कौन है जो बेरगबती दिखाए मिल्ल इब्राहिम से इब्राहिम के दीन से सिवाय जो बेवकूफ़ बना रहा है अपने ही जान को अपने ही नफ्स को और अलबत् लिया हमने उन्हें इब्राहिम को दुनिया में भी और बेशक उनके लिए आखिरत में और बेशक वो आखिरत में लमिन साल अलबत् नेकोकारों में से होंगे सोले लोगों में से होंगे यानी अल्लाबहन तला पर क्या फरमा रहे है? तुम दावा करते हो कि हम मिलत इब्राहिम को फॉलो करते हैं इब्राहिम सलाम हम में से हैं हम हमारे दीन पर थे तो तुम तो बिल्कुल उसके दीन पर, उनके दीन पर पर उनके चलते हुए नजर नहीं आते क्योंकि इब्राहिम सलाम तो दीन हनीफ को फॉलो करते थे वो तो मोनोथीजम को फॉलो करते थे वो यकसू अल्लाह को एक मानते थे तो तुम तो अल्लाह की सुबहाना किताब के अंदर वो करते हो न तुम और फिर मुश्रकाने मक्का क्या कर रहे थे शिरक कर रहे थे और श्री ने मक्का भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे ठीक है वो उसी काबे के तवाफ कर रहे थे जो कि इब्राहिम सलाम का बनाया हुआ घर था ठीक है तो यहाँ पर इन सारों को इकट्ठा जवाब दिया जा रहा है कि जो भी मिल्लत इब्राहिम से बेरगबती करे यानी जो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से के दीन से दूर हो जाए यानी शिरक के खिलाफ जो उन्होंने मतलब एक तरीके से अपने दीन को महफूज रखा उन्होंने किसी भी किस्म का शिरक नहीं किया वाहिद अल्लाह की इबादत की और उसमें किसी भी किस्म की मिलावट नहीं की तो जो ऐसे दीन को फॉलो करेगा वो तो उनमें से है अदरवाइज जो नहीं उन उस, उस दीन को फॉलो करता है उससे बेरगबती दिखाता है तो वो तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है मतलब फिर वो अपने दिल को तसल्ली दे रहा है कि हम तो इब्राहिम के दीन को फॉलो करते हैं और साथ में शिर्क भी करता है तो जो ऐसा करे बेरगबती दिखाए तो वो तो अपने आप को क्या कर रहा है बेवकूफ़ बना रहा है अपनी जान को बेवकूफ़ बना रहा है और हमने तो इब्राहिम को दुनिया में भी चुन लिया था अपने दीन के लिए इमामत के लिए इससे पहले हमने देखा ना कि हम अल्लाह सुबहान फरमाया इब्राहिम को इमामत दी गई तो लीडर बना दिया गया मुत्तियों का इमाम बना दिया गया तो लीडरशिप अता की गई दुनिया में उनको नबी बनाया गया रसूल बनाया गया तो हमने तो दुनिया में भी उन्हें चुन लिया और आखिरत में भी उनके लिए बेहतरीन रिवॉर्ड हैं वो नेकोकारों में से होंगे यानी वो अहले जन्नत में से है नेकोकारों में से होंगे और कौन है जो बेरगबती दिखाए रगीबा अन इन दोनों का एक साथ हम तर्जुमा कर रहे बेरगबती दिखाना यानी उस चीज की तरफ मैलान ना होना इंक्लाइन ना होना उससे मुंह फेर लेना ठीक है और कौन है जो बेरगबती दिखाए इब्राहिम के दीन से सिवाए जो बेवकूफ बना रहा है उसके नफ्स को अपनी ही जान को और अलबत्ता तहकीक चुन लिया हमने उन्हें उसे यानी إبراهيمले सलाम को फिर दुनिया दुनिया में भी और इन्हें और बेशक वो फिल आखिरती आखिरत में लबिन सोलहीन सोलह लोगों में से हैं नेकोकारों में से हैं आयत नंबर वन वन, वन वन, 131 इस कोला लगू रब्बुहु असलिम इज जब आयत नंबर 131 131 इज जब कोला कहा

अब चूंकि नबी का है तो हम फिर एहतराम कहेंगे उनके रब ने जब कहा उनके लिए रबह उनके रब ने रब यानी रब हु यानी उनके उनके रब ने असलम सीन लाम मीम, इसका रूट वर्ड है और रब का रूट वर्ड है बा, बा। ठीक है असलिम फर्मा बरदार हो जाओ ठीक है सरेंडर कर दो अपने आप को सबमिट कर दो यानी अल्लाह के लिए आजिज हो जाओ और जब कहा उस उनके लिए उनके रब ने या उनसे उनके रब ने फर्मा बरदार हो जाओ ओला कहा इब्राहिम ने ये अल्लाह के लिए आया है पहला कौला और दूसरा कौला जो है इब्राहिम के लिए आया है कौला कहा इब्राहिम ने असलम लाम मीम इसका रूट वडे असलम तू देखिये तू आ गया आखिर में तू आ जाए तो तू का तर्जुमा होगा मैं ठीक है याद रखें हमारे पास चार किस्म के ता है माजी में यानी में अगर सुकून के साथ भी ता हो सकता है फतहा के साथ भी हो सकता है कसरा के साथ भी हो सकता है और दमा के साथ पेश के साथ भी हो सकता है अब सुकून के साथ अगर होगा तो हम करेंगे उसका तर्जुमा वो ठीक है शी ता होगा यू तुम ती का मतलब भी तुम होगा ता का मतलब भी तुम होगा लेकिन ता मेल के लिए होगा ती फीमेल के लिए होगा और तू आ जाएगा तो मेल फीमेल दोनों के लिए होगा मैं ठीक है मैं तो हम जैसे कहते हैं आय अमता अल अनता इनाम किया था तूने तूने इनाम किया अगर हम कहे आने अम तू मैंने इनाम किया उसी तरह असलम तू मैं मैं सरेंडर करता हूं मैंने सरेंडर किया मैंने मैं, मैं फरमा बरदार हो गया ठीक है मैंने इस्लाम लिया ले यानी मैं फरमाबरदार बरदार हो गया अगर यहाँ पर असलमता हो जाता तो तू ने क्या किया फरमाबरदारी बरदारी की असलम तू मैंने फरमा बरदारी की असलमत उसने फरमाबरदारी बरदारी की असलमत उसने फरमाबरदारी बरदारी की असलमता आप एक मर्द ने फरमाबरदारी की असलमती आप एक औरत ने फरमाबरदारी की असलम तू मैंने फरमा बरदारी की तो यहाँ पर क्या है मैं फरमा बरदार हो गया असलम अल्लाह ने कहा असलम फरमा बरदार हो जाओ असलम उन्होंने कहा इब्राहिम सलाम ने कौला असलम मैं फरमा बरदार हो गया लिरब बिल आलमीन ली लिए प्रपोजिशन है हरफ जर ली लिए फॉर रब्बी रब अल आलमीना आइन लामीम इसका रूट वर्ड है और इना लग गया, प्लूरल हो गया, तमाम जहानों के रब के लिए फरमा बरदार हो गया जब कहा उनके लिए या उनसे उनके रब ने फरमा बरदार हो जाओ कहा अल, इब्राहिम ने मैं फरमा बरदार हो गया आलमीन के लिए तमाम जहानों के रब के लिए अब देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर एक ये जो आयत है इब्राहिम सलाम की फरमाबरदारी बरदारी और इब्राहिम सलाम का अपने आप को किस तरह से अल्लाह के लिए आजिज कर लेना और तमाम आजमाइशों को खुशी खुशी अपना लेना ये सिर्फ दो लफ्जों में अल्लाह सुबहान बयान कर दिया कि जब भी अल्लाह सुबहान तआला ने इब्राहिम आलम को कहा ए इब्राहिम आलम फर्मा बरदार हो जाओ यानी हमारे हुक्म को मानो इब्राहिम ऐसे नबी हैं जिनकी जिंदगी शुरू होती है आजमाइश से ओल्ड एज वो हर लम्हे में हर उम्र के मतलब उसमें वो आजमाइे देते चले आ रहे हैं बचपन से उनकी आजमाइशें शुरू हुई है और जवानी फिर बुढ़ापे तक उनकी आजमाइशे होती ही रही बचपन में भी उनकी आजमाइश थी फिर वो उनको शहर बदर कर दिया उनके 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 वाल, वालिद वालिद के जरिए से से उनकी उनकी आजमाइश आजमाइश मतलब शहर वालों हुई फिर उस वो जो बादशाह नमरूद था उसके जरिए से उनकी आजमाइश हुई फिर अल्लाह सुबहान तौजा के जरिए से उसको पहली जो जोजा है सारा सारा को औलाद नहीं दी वो आजमाइश हुई फिर हजरत हाजरा को जो औलाद दी उनको कह दिया गया कि जुबा करने के लिए ले जाओ तो हर मतलब पहले तो ही नहीं हुई कई सालों तक फिर सेवन ईयर्स की, की उम्र में हजरत इस्माइल बोर्न हुए हैं हजरत हाजरा से वो भी हजरत सारा से नहीं और हजरत हाजरा से जो 87 सेवन एज में वो बोर्न हुए हैं फिर अल्लाह ने 100 साल की उम्र में कह दिया कि अब जाओ इनको क्या कर दो इनको बा कर दो तो कभी भी इब्राहिम ने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह कुछ इसका सब्सटीट्यूट हो सकता है कुछ ऐसा है कि हम इसको अलग तरीके से कंपनसेट कर दें देखिए इससे पहले हजरत अब्दुल्ला को जब अब्दुल मुत्तलिब करने का जो आया था तो उन्होंने कंपनसेट कर लिया था ना वो क्या करते थे कि कुरा डालते थे और उसके जरिए से अगर कोई इंसान की वो चढ़ानी होती थी जिबा करना होता था तो उसके जरिए से वो लोग क्या करते

सर तस्लीम खम कर दिया जब भी अल्लाह का हुक्म आया असलम ए इब्राहिम अपने आप को झुका दो हमारे फरमा बरदार हो जाओ हम जो आजमाइश ले रहे हैं उसके लिए डट जाओ तो देखिए यहाँ पर एक और चीज है अला का मतलब है डोंट स्टॉप यहाँ पर रुकना नहीं है यानी कंटिन्यू करना है ठीक है तो देखे यानी इस चीज को और ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है ये बात कि जब अल्लाह ने कहा असलिम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने विदाउट एनी ब्रेक बगैर कुछ सोचे समझे कह दिया असलम तू यानी मैं फरमा बरदार हो गया अल्लाह मैंने अपने सारे जो जहन के दरवाजे हैं जो सोचने के जो लॉजिक है जो मंतिक है सबको बंद कर दिया क्योंकि मेरे रब का हुक्म है तो मैं उसके ऊपर अपने सर को झुका देता हूँ तो यहाँ पर असलम असलम फरमा बरदार हो जा कौला असलम मैं फरमा बरदार हो गया मैंने अपने सर को झुका दिया ले रबालमीन तमाम जहानों के रब के लिए तो ये अल्लाह सुबहान तला ने उनका जो सारे टेस्ट लिए फिर फाइनली फिर उनको अल्लाह सुबहान तला ने इमामत दी और फिर बड़े मतलब फिर जो था जिस तरीके से उनको अल्लाह सुबहान तला ने इमामत दी कि उनको तो इमामा सारी लोगों के लिए सारी इंसानियत के लिए लीडर बना दिया सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि उनको यहूद न सारा मुशरक सारे लोग उनको माना करते हैं ठीक है जब कहा उनके लिए या उनसे उनके रब ने असलम असलम फरमा बरदार हो जाओ कहा इब्राहिम ने असलम तू मैं फरमा बरदार हो गया आलमीन, तमाम जहानों के रब के लिए यानी कि वो जो तमाम जहानों का रब है वो मेरा भी तो रब है तो जब मेरा रब कहे के क्या है झुका लो अपने सर को तो मैं क्यों ना अपने सर को झुका लू वो एक शेर है ना जे मेरा मेरा सोना मेरे दुख विच राजी, राजी मैं सुखनू चूले दावा यानी कि अगर मेरा जो मेरा जो रब है मेरे दुख में राजी है तो मैं सुख को क्या करता हूँ मैं आग लगा देता हूँ मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जो कि मेरे रब जिसमें राजी नहीं मेरा रब मेरे दुख में राजी है तो मुझे वही बेहतर लगता है यानी कि कोई भी आजमाइश में मेरा रब मुझसे राजी है तो मैं हर आजमाइश को बखुशी तस्लीम करने को तैयार हूँ उन्होंने अपनी भी जान का अपनी औलाद की भी जान का फिर अपनी बीवी को आ, वादी जी जरा में छोड़ आए जहां पर कोई नहीं है जहां परिंदे तक नहीं है कोई साजो सामान नहीं कोई दरख्त नहीं कोई मतलब पानी का ठिकाना नहीं वहा छोड़कर आ गए हैं अल्लाह सुबहान के भरोसे में तो अल्लाह सुबहान हर लेवल पे जिस चीज की उनको सबसे ज्यादा शदीद जरूरत थी अल्लाह ने उन तमाम चीजों से उनको दूर करके आजमाइश ली और तमाम आजमाइशों में हजरत इब्राहिम अल्लाम कामयाब होते चले गए और उन्होंने अपने सर को झुका दिया अल्लाह व सुबह के लिए यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये है इब्राहिम जो हमारे बरदार थे और अगर जो इनके दीन से बेरगबती दिखाएगा तो वो क्या है तो वो तो अपने आप ही को बेवकूफ बना रहा है यानी उनके जैसा दीन तो कोई फॉलो करके तो दिखाए जैसे उन्होंने अपने रब को पहचाना और जाना और फिर उसकी मारिफत हासिल करने के बाद उसके लिए अपने आप को झुका दिया अल्लाह सुबहान हमें भी ऐसी फरमा बरदारी नसीबत फरमाए आयत नंबर वन थर्टी टू वहा इब्राहिम इब्राहिम व और वस वसीयत की ठीक है वसीयत करना मतलब कि जो जो आखिरी टाइम में जो बातें बताई जाती हैं या फिर आखिरी टाइम में नहीं भी तो वैसे जब हम किसी को कुछ नसीहत करते हैं वसीयत करना नसीहत करना व वा, स्वा, स्वा दिया इसका वर्ड है और वसीयत की बिहा उसकी बी की हा उस उसकी इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनी ही बनी बनी जो है इब्न का प्लूरल है हम कहते हैं ना बनी इसराइल बनी यानी नस्ले औलादे तो यहाँ पर औलादों की बात हो रही है नस्लों की बात नहीं रही है वो अपनी औलादों से कह रहे हैं और वसीयत की उसकी इब्राहिम ने भी, बनी ही उनके औलादों को बेटों को यानी उनके औलादों को वह याकूब और याकूब अल्लाम ने भी वसीयत की या बनिया या बनिया Just a moment. हाँ या बनी हरफ निर्टिकल मेरे बेटो बनी या देखिये यहाँ पर तीन लफ्ज है या, या यानी ए बनी यानी बेटे और या मतलब मेरे तो इस तरह से या यहाँ पर दो है या बनी या ए मेरे बेटो ठीक है ए मेरे बेटो इन इन्न अल्लाह इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ने इस सफा वापस आ गया वो वर्ड इस सफा मुस्तफा मुश्तबा ये तीनों सबका वर्ड है चुनना इस सफा उसने चुन लिया ही सिलेक्टेड ही ही चोजन है ना यहाँ पर किसको कहा जा रहा है इब्राहिम अपनी औलादों को नसीहत कर रहे हैं वसीयत कर रहे हैं मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है सिलेक्ट कर लिया है चूज कर लिया है लकुम ला लिए हरफेजर है कुम अटैच प्रोनाउन जमीर मुतसिल तुम्हारे लिए अदीन अदीना देखें ये दीन की बात हो रही है लेकिन अदीन आ गया ना अल आ गया तो ये खास दीन की बात हो रही है और ये खास दीन कौन सा है दीन इस्लाम की बात हो रही है किसी और दीन की बात नहीं हो रही है अल की वजह से ये स्पेसिफिक हो गया। दीन को, इस्लाम को फला तमु फ फिर ला नहीं तमु त तुम मीम वावता मौत आ जाए तमु तुम सबको मौत आए फिर नहीं तुम सबको मौत आए इल्ला एक्सेप्ट अंतुम व और अंतुम तुम सब मुस्लिम फरमा बरदार ऊना के लिए है मुस्लिम ऊना तुम सब फरमा बरदार हो तुम सब मुसलमान हो तुम सब अल्लाह सुबहान सरेंडर कर चुके हो और वसीयत की उसकी इब्राहिम सलाम ने उनके बेटों को और याकूब ने भी वसीयत की अब ये वसीयत है ना कॉमन है इब्राहिम और याकूब दोनों दोनों के लिए मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन इस्लाम तो नहीं तुम्हें मौत आए व वन तुम मुस्लिमों इस हाल में के तुम मुसलमान हो फरमा बरदार हो अब देखें ये बताया गया कि यहाँ पर कि नबियों की वसीयत में और आम लोगों की वसीयत में कितना फर्क होता है जब हम वसीयतें करते हैं तो हमारा मामला सिर्फ दुनिया के मुतालिक होता है और यहाँ पर जब वसीयतें हो रही है तो कोई दुनियावी पह, मतलब पहलू उसके अंदर शामिल नहीं है दीन की बात हो रही है कि देखो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है तो ऐसा ना हो कि तुम तुम अपने बिस्तर मर्ग पर हो और तुम किसी और मजहब में हो तुम इसी हाल में फौत होना इसी हाल में तुम्हें मौत आए कि तुम दीने इस्लाम पर हो और अल्लाह के फरमा बरदार हो तो क्या इंसान को पता है कि वो कब मरने वाला है कब उसको मौत आ जाए डेफिनेटली नॉट हम लोगों को नहीं पता किसी को भी नहीं पता तो इसका क्या मतलब है वो क्या कहना चाह रहे थे कि तुम्हें अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक कब किस को मौत आ जाए कि तो यानी तुम्हारी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमे तुम अल्लाह के फरमा बर्दार ना हो क्यूँकी कोई भी लम्हा ऐसा नहीं है जिसको हम जानते हो कि वो हमारे मौत का है तो इससे पहले कि मौत आ जाए तुम अपने आप को अल्लाह के लिए सरेंडर कर दो सबमिट कर दो उसके फरमा बरदार हो जाओ तो ये वसीयत की जा रही है इब्राहिम सलाम भी और याकूब आल सलाम भी अपने औलादों को नसीहतें और वसीयतें कर रहे हैं और वसीयत की इसकी इब्राहिम सलाम ने अपने बेटों को और याकूब आसम ने भी ऐ मेरे बेटो बेशक अल्लाह चुन लिया है उसने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को तो नहीं तुम मरना नहीं तुमको मौत आए हरगिज भी तुम्हें मौत ना आए सिवाय ये कि तुम हो फरमाबरदार तुम मुसलमान हो इस हाल में कि तुम मुसलमान हो आयत नंबर 133 थर्टी थ्री अम कुन तुम शुहदा इज हजरा याकूब अलमौत अम या कुन तुम कुन थे तुम तुम ये कुन जो है काफ वाव नून से मिलकर बना है इसका रूट वर्ड है काफ वाव नून कुन का मतलब है थे तुम यानी तुम सब ये अटैच प्रोनाउन है जमीर मुत्तसिल क्या तुम थे शुहदा गवाह या मौजूद शीन हा दाल इसका रूट वर्ड है शुहदा शाहिद का प्लूरल है शाहिद यानी गवाह एक गवाह शुहदा बहुत सारे गवाह ठीक है क्या तुम थे गवाह क्या तुम थे मौजूद इज जब हजारा हजारा मतलब हाजिर हुई या पहुंच गई या आ गई याकूबा याकूब को मौत यानी जब उनके ऊपर हाज़िर यानी उनके मौत का वक्त करीब आ गया तब क्या तुम तो मौजूद थे याकूब सलाम के पास इज ओला इज जब ओला कहा किसने कहा याकूब आसम ने ये वर्ड है इसका भी बनी ही सॉरी हाँ लिबनी ही लिबनी अली लिए और बनी बेटो ही उनके यानी उनके बेटो के लिए या अपने बेटो के लिए अपने बेटो से कहा जब कहा इब्राहिम सॉरी याकूब ने लिबनी ही उनके बेटो के लिए या उनके बेटो से उनकी बेटो के लिए उनके बेटो से मा तब मा माँ क्या माँ के तीन तर्जुमे होते हैं यहाँ पर क्या का तर्जुमा आ रहा है माँ का तर्जुमा जो भी होता है क्या भी होता है नहीं भी होता है यहाँ का जो यहाँ पर माँ का तर्जुमा है क्या ठीक है क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर क्या तुम सब इबादत करोगे यानी तुम यतान का ता है ता तुम ऊना सब लूरल के लिए आ गया वर्ड है इबादत करना क्या तुम सब इबादत करोगे या किस चीज की तुम सब इबादत करोगे मिन से बाद बाद ई मेरे मेरे बाद से या मेरे जाने के बाद मिन से बादी या जो है ये जमीर मुतसिल है अटैच या का मतलब है मेरे ठीक है मेरे बाद मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे कोलू उन सब ने कहा देखिए कोला का प्लूरल है गौलू. वाव वाहिफ आ गया तो प्लूरल हो गया जमा का सीखा आता है ऊना से भी प्लूरल होता है वाहिफ से भी प्लूरल होता है जमा हो जाता है और वर्ड तो सेम ही है उन सब ने कहा ठीक है है यतान यतान का का आ आ गया यतान का भी आ गया भी पर ठीके? या यानी ता यानी तुम नून यानी हम नून हम आदाल इबादत करेंगे इलाह का इलाह मबूद का आपके आपके मबूद की हम इबादत करेंगे व और इलाह आबाइका इलाह और मबूद की आबाइका आपके बाप दादा के आबा बाप दादा को कहा जाता है यानी कि जो हमारे बाप दादा हैं जो आपके बाप दादा हैं हम उन्हीं की क्या करेंगे इबादत करेंगे इसका वर्ड है हमजा बा वाव आबा का जो रूट वर्ड है वो है हमजा बा वाव और इलाह का वर्ड है हमजा लाम हा और इबादत का तो दाल ही है है ठीक हम इबादत करेंगे आपके मबूद की और आपके बाप दादा के मबूद की इब्राहीमा अब बाप दादा कौन है वो गिना रहे हैं ठीक है थीके? वो क्या कह रहे हैं इब्राह बाप दादा का नाम बताया जा रहा है इब्राहीमा इब्राहिम सलाम व इस्माइला और इस्माईला सलाम व इसहाक

ये जो है डिटैच प्रोनाउन है जमीर मुनफसल ठीक है नाहनू यानी हम लहू ला लिए हर फिजर है हु उसके ये अटैच प्रोनाउन है उसके लिए अच्छा डिटैच प्रोनाउन अटैच प्रोनाउन में क्या फर्क है जो जुड़ के आ जाए वो डिटे वो अटैच है और जो जुड़ कर ना आए वो डिटैच है हम लहू उसके लिए मुस्लिमों फर्मा बरदार होने वाले हैं फर्मा बरदार होंगे हम मुसलमान होंगे ऊना आ गया प्लूल है हम उसी के फर्मा बरदार होंगे हम उसी के लिए मुसलमान होंगे क्या तुम थे शुहदा मौजूद या गवाह? क्या तुम थे गवाह या तुम थे मौजूद जब आई इब्राहिम याकूब अल सलाम पर मौत मौत का वक्त उनके करीब आ गया जब कहा याकूब सलाम ने उनके बेटों के लिए या उनके बेटों से क्या तुम सब इबादत करोगे यानी किस चीज की तुम सब इबादत करोगे किसकी तुम सब इबादत करोगे बादी, मेरे बाद से मेरे जाने के बाद ओलू उन सब ने कहा हम इबादत करेंगे आपके माबूद की और आपके बाप दादाओं के मबूद की इब्राहिम आपके बाप दादा इब्राहिम और इसमाइल और इसहाकाम के माबूद की जो के वाहिद है, एक ही माबूद है और हम तो उसी के लिए फरमाबरदार हैं अब देखें यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं गैब की खबरें हैं क्या कोई जब किसी के पर्सनल कन्वर्जेशन चल रही है और इब्राहिम याकूब अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर मर्ग पर हैं और अपने बेटों को वसीयत कर रहे हैं तो क्या हम हम सब मौजूद थे डेफिनेटली नहीं यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से कहा जा रहा है लेकिन ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि मतलब नवजुबिल्ला ना, इन्होंने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान गढ़ लिया है तो अल्लाह सुबहान तला क्या फरमा रहे हैं कि क्या आप वहाँ मौजूद थे यानी अगर आपने ये कुरान गढ़ा होता या अपनी तरफ से मतलब बनाया होता तो आपको तो सब कुछ पता होता लेकिन ये गैब की खबरें से इसमें आती हैं तो ये इससे क्या बात वाज़े होती है कि ये ये इसमें सर्टेनली किसकी तरफ से अल्लाह सुबहान तरफ से है और इसमें किसी भी इंसान का किसी भी बशर का कोई अमल दखल नहीं है तो ये इतने पुराने वक्त की खबर और वो भी किसी की प्राइवेट गुफ्तु ना वसीयतें लोग ऐसे खुलेआम तो नहीं करते हैं ना किसी की पर्सनल गुफ्तगु को अल्लाह सुबहान मेंशन कर रहे हैं और लोगों के लिए क्लियर कर रहे हैं कि ये सारा जो कुरान है अल्लाह ही की जानब से नाजिल हुआ है और यहाँ पर दूसरी चीज देखें कि पहले कहा अल्लाह सुबहान तब्राहिम और याकूब आसम ने वसीयतें की और वसीतें किस चीज की, की जा रही है दीन की वसीयत की जा रही है और याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत को और इलेबरेट करके बताया जा रहा है कि वो जब अपने बिस्तर मर्ग पर हैं तो अपने औलादों को जमा करके क्या सवाल कर रहे हैं कि मैं मतलब अब यहाँ से रुखसती लेता हूँ तो क्या करोगे तुम किसकी इबादत करोगे मेरे जाने के बाद यानी कि क्या तुम सिर्फ मेरे सामने अल्लाह की इबादत करोगे या कुछ और मामला होगा तुम्हारा तो उन्होंने कहा कि हम आप ही के मबूद की इबादत करेंगे ना यानी अल्लाह की इबादत करेंगे और आपके बाप दादा याकूब और इसहाक और इब्राहिम की इबादत के रब की इबादत करेंगे उसी के महबूद की इबादत करेंगे जो कि इलाहन वाहिद है यानी हम किसी भी किस्म का शिरक उसके साथ नहीं करेंगे यानी हम भी तोहीद पर कायम रहेंगे उसी तरह उसी पर अमल करेंगे अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा शिजरा जान ले आप लोग ये याकूब अलैहिस्सलाम कहाँ पर आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं ठीक है थीके? इनके दो बेटे हैं एक बीबी सारा हैं और एक बीबी हाजरा हैं ठीक है थीके? तो बीबी हाजरा से बड़े बेटे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम ये बड़े हैं और ये बीबी सारा से दूसरे बेटे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम इन सूर्य हूद में देखेंगे सहाकाम से खुशखबरी देने फरिश्तों को खुशखबरी के लिए भेजते हैं सलाम की इसमाही इसहाकाम अब इस्माही बिल्कुल आखिर में एक नबी आए हैं वो है मोहम्मद सलम और इनकी नसल में कोई नबी नहीं आए दरमियान में इसहाकाम के लगा फौरन बेटे हैं याकूब आलाम ठीक है सलाम। और याकूब म के हैं बारह बेटे ठीक है बारह बेटे हैं जिनमें से एक सेकेंड लास्ट है यूसुफ अलम जो के नबी हैं ठीक है और फिर और आगे नस्लें चली टिल ईसा आलाम तक इसहाक इसहाकाम की नस्लों में नबी आते रहे ठीक है तो इब्राहिम आसम के दो बेटे बड़े बेटे इस्माइल इसमाही और छोटे इसहाक इसहाकाम इसहाकाम की नस्लों में बहुत सारे नबी आए इसहाक इसहाम के बेटे हैं याकूब आलाम और याकूब आलाम के बारह बेटे हैं जिनमें से यूसुफ आल सलाम नबी हैं फिर और भी उनकी नस्लें चली और याकूब आलाम के जो बेटे हैं बारह इनसे बारह कबीले बने फिर बारह उससे पूरा सारा कुछ चला तो ये सारी नस्लें कहलाई बनी इसराइल ठीक है तो ये जो है ये बारह बेटे और इनकी पूरी नस्लें बनी इसराइल कहलाती हैं क्योंकि याकूब आसम का लकब था इसराइल ठीक है बनी का मतलब होता है बेटे तो इसराइल के बेटे याकूब अल्लाम के बेटे और उनकी पूरी नसे, नसे बनी इसराइल है इस्माइल की नस्लों में कोई नबी नहीं आए सबसे आखिर में एक नबी आए जो कि हम पिछली आयत में पढ़ चुके थे जो इससे पिछले रुकू में कि वो दोनों इब्राहिम आल्लाम और इसमाइल आलाम दुआ कर रहे हैं किससे अल्लाह सुभान व तआला से जब खाने काबा की तामीर कर रहे हैं और फिर सारी दुआ करते जा रहे हैं फिर और क्या दुआ की कि ए रब हम में और हमारी नस्लों में दोनों ने दुआ की थी ना कि हमारी नस्ल में एक नबी को भेजना जो तिलावत करें और लोगों को पढ़कर सुनाए और दीन आ, मतलब तिलावत भी करे लोगों को पढ़कर सुनाए तेरी किताब का कि, किताब की तिलावत करे लोगों को हिकमत सिखाए लोगों का तस्किया करे तो ये दुआ जो उन, उन्होंने की थी तो वो नबी अलैहि वसल्लम की सूरत में क्या हुई कबूल हुई तो इब्राहिम और इस्माइल इसमाही की कलेक्टिव दुआ थी तो अल्लाह व तआला ने दोनों की नस्ल में से इब्रा... आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया ठीक है तो ये छोटा सा शिजरा है आप लोगों ने याद रखना है इब्राहिम सलाम के दो बेटे और फिर सारी नस्ल चली है इसहाक सलाम से और इसहाक सलाम के बेटे याकूब सलाम है अब ये सारे अपने बच्चों को जमा करके यानी ये ब्यारह बेटे हैं उन सबको जमा करके ये वसीयत कर रहे हैं कि मैं जब चला जाऊं तो किस चीज की बात किसकी इबादत करोगे कौन से महाबूत की इबादत करोगे तो वो सब क्या कह रहे हैं आपके महबूद की और आपके बाप दादाओं के महबूद की तो आपके बाप कौन थे इसहाक असलम और आपके दादा कौन थे इब्राहिम आलाम और ये उन इस्माइल जो है उनके क्या हो गए फिर चाचा हो गए यानी बड़े वाले जो होते हैं ना शायद ताया कहते हैं ना उसको तो वो हो गए ये तो इस तरीके से ये उन्होंने सबकी वसीयत की और वसीयत में उन्होंने जवाब दिया कि हम सारे के सारे अल्लाह ही के लिए फरमा बरदार होंगे जो कि माबूद है एक वाहिद इलाह है एक ही माबूद है और हम तो उसी के फरमा बरदार होंगे नंबर वन थर्टी फोर अच्छा एक मरतब हमने रिवाइज नहीं किया क्या तुम सॉरी क्या तुम थे गवाह या मौजूद जब आई याकूब सलाम को मौत या मौत का वक्त उनके हाजिर हो गया करीब हो गया जब कहा याकूब सलाम ने उनके बेटों के लिए अपने बेटों से क्या या किसकी तुम सब इबादत करोगे मेरे बाद उन सब ने कहा हम इबादत करेंगे आपके माबूद की और आपके बाप दादाओं के माबूद की आपके बाप दादा इब्राहिम और इसमाइल और इसहाक अलम जो के इलाख है एक माबूद है और हम तो उसी के लिए फरमा हैं आयत नंबर 134 थर्टी फोर तिलका उम्मत खलत तिलका ये उम्मतुन, अच्छा तिलका का असल तर्जुमा वो होता है लेकिन जब हम आ, किसी चीज को ना अरबी में एम्फेसिस के लिए थोड़ा सा बात में जोर पैदा करने के लिए और दूसरी चीज ये उमतुन जो है वो फेमिन वर्ड है इसीलिए तिलका आ रहा है अगर ये मैस्कुलिन वर्ड होता तो फिर ये मेल के तौर से आता ठीक है हाज ही आ जाता लेकिन यहाँ सॉरी सो, अगर ये मैस्कुल वर्ड होता तो फिर हाज आता अब ये तिलका आ रहा है के लिए हाजा जालिका जालिका आ जाता तो क्यों नहीं आ रहा क्योंकि ये मेल नहीं है उम्मत उन फेमिन है इसीलिए तिलका आ गया ये एक उम्मत थी ये ये जो लोग हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और ये सारे ये एक उम्मत थी कुछ लोग थे एक उम्मत थी एक कम्युनिटी थी खुद खलत खुद बेशक एम्फिस के लिए है एम्फेटिक पार्टिकल है खुद बेशक खौलत, खौलत गुजर गई गुजर चुकी खौ, ला, ज, just a minute, इसका वर्ड हम देख लेते हैं खौ, लाम, रूट है लाम, ये एक उम्मत थी जो अलबत्ता गुजर गई मतलब वो पिछली बात हो गए वो लोग जो थे गुजर गए ये एक उम्मत थी जो गुजर गई दे अवे ठीक है लहा ला लिए हा उसके लिए अब ये हा की जो जमीर है उम्मत की तरफ आ रही है क्योंकि फैमिलिन है अगर ये उम्मत मैस्किलिन होता तो फिर हु आ जाता ठीक है ये एक उम्मत थी बेशक वो गुजर गई हा उसके लिए उस उम्मत के लिए माँ जो कसबत कसबत काफ़ सीन बा कसबा का मतलब होता है कमाना टू कमाया उस उम्मत ने कमाया व और लिए कुम तुम्हारे और तुम्हारे लिए माँ जो कसब तुम कसबा कमाया तुम तुमने तो काफ़ सीन बा इसका रूट वर्ड है दोनों का कसबत उसने कमाया कसब तुम तुमने कमाया ठीक है उसने ये फेमिनिन के लिए आ रहा है ये उस उम्मत के लिए आ रहा है. कसबत? अभी हमने कहा था ना फाके ता और के पर सुकून तो ता के ऊपर सुकून होता है तो ये फेमिनिन वर्ड के लिए उसके लिए या वो के लिए होता है तो ये किसके लिए आ गया कसबत उस उम्मत के लिए आ गया क्योंकि ये फेमिनिन है उसके लिए जो उसने कमाया तुम और तुम्हारे लिए जो तुम कमाई करते हो वला वूना व और ला नहीं तुस अलूना ता तान है ऊना ता यानी सब प्लूरल के लिए ऊना आता है सीन हमजा लाम इसका रूट है अला मतलब सवाल करना टू आस्क टू इन टू क्वेश्चन और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा ये पैसिव है ठीक है मजहूल है ता के ऊपर फता है और हमजा के ता के ऊपर दमा है पेश है और हमजा के ऊपर फता है यानी जबर है तो ये कॉम्बिनेशन मुजारे में हमेशा किस चीज को इंडिकेट करता है इम टेंस uh, का प्रेजेंट प्रेजेंट पैसिव है ठीक है तुमसे सवाल किया जाएगा तुम सवाल करोगे तर्जुमा नहीं करेंगे हम क्योंकि ये पैसेव हो गया तुमसे सवाल किया जाएगा और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा अम्मा अम्मा दो लफ्जों से मिलकर बनाए अन प्लस माँ अन यानी से माँ यानी जो उससे जो कानू कानू वो सब थे काफ वाव, नून इसका रूटवर्ड है और आ गया प्लूरल के लिए काना था और कानू थे प्लूरल हो गया वो सब थे अम्मा उसके बारे में जो कानू वो सब थे यामलून या वो वाव या यतान का या है या यानी वो वाव उना उना यानी प्लूरल के लिए और आएन ला, आएन मीम लाम अमल इसका रूट वर्ड है वो सब अमल करते थे वो सब अमल करते थे ये एक उम्मत थी वो एक उम्मत थी अलबत्ता गुजर गई वो उम्मत यानी गुजर गई उसके लिए जो उसने कमाई की और तुम्हारे लिए जो तुम कमाते हो और नहीं तुम सबसे सवाल किया जाएगा उसका जो उसके बारे में जो वो सब अमल करते थे वो सब जो भी अमल करते थे उसका तुम से सवाल नहीं किया जाएगा यानी अल्लाह सुबहाना क्या फरमाना चाह रहे हैं कि हर बंदा अपने अपने जानों का क्या है अल्लाह के सामने जवाबदा है अल्लाह सुबहाना किसी का भी सवाल किसी और से नहीं करेंगे यानी हर किसी को अपना जवाब देना है वो तो नबी थे नबी के घरानों से थे अहले में से थे तो उनसे तो वैसा सवाल होगा जो उन्होंने कमाई की अब हमसे हम जैसा जैसे हमने कमाई की जैसे हमने एक्चुअली में ऐसी कमाई को कहा जाता है जिसमें कोई काम किया जाए तो फिर उसके बदले कुछ रिवॉर्ड मिले उस कमाई को कहा जाता है यानी बंदा जो अमल कर रहा है तो नॉट नेसेसरीली उसको हर अमल का बदला इस दुनिया में मिल जाए बहुत सारी चीजें हैं जो अल्लाह अला ने होल्ड पर रखी हुई है और उसका सारा का बदला सारी है उनका बदला आखिरत में दिया जाएगा तो कमाई उसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आमाल की कमाई को कि तुम अगर नेक नेक आमाल की कमाइयां कर रहे हो तो वैसा ही बदला तुम्हें मिलेगा और अगर तुमने बदामाल की कमाइया की है तो वैसा ही बदला तुम्हें मिलेगा तो जो जैसी कमाई लेकर जाएगा वो वैसे रिवॉर्ड अर्न करेगा यानी के एक हाथ से कमाई दो मतलब हम सौदा करते हैं ना जब कुछ मार्केट में खरीदने जाते हैं तो फिर हमने क्या करना होता है कुछ पैसे देकर फिर, फिर कुछ ना कुछ खरीद रहे होते हैं तो वैसे ही हमने आमाल देना है और फिर जन्नत खरीदनी है तो यहाँ पर वो कमाई का मामला है कि कुछ दो फिर कुछ लो तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि ये एक उम्मत थी जो गुजर गई उनके लिए उनके आमाल उन्होंने जो कमाई की अल्लाह सुबहान तला वो उससे बाखबर है और जो तुम कमाइया कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए हैं अगर, अगर वो नेक होंगी नेक कमाई होगी अच्छे अमाल होंगे तो फिर तुमको उसका रिवॉर्ड मिलेगा और अगर तुमने बद कमाई की होगी बुरी कमाई यानी कि बुरे अमाल होंगे तो फिर उसका बबाल तुम्हारे ऊपर होगा और किसी से किसी के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा जो आएगा अपना सवाल का जवाब खुद देगा ला सुबह तला तो किसी से किसी के बारे में नहीं पूछेंगे वो अलग हदीस है कि वो कुल्लुकुम राय तुम में से हर एक क्या है राय है मतलब एक रियाया का सरदार है एक किंग है एक बादशाह है और उससे उसकी रियाया का सवाल किया जाएगा वो जो उसके मातहत तहत है वो जो उसके अंडर है जिसको उसकी तरबियत और जिसको उसकी इलाह करनी है अगर वो ना करे तो फिर वो अल्लाह के वहां पर जवाबदा होगा वो अलग चीज है ये जो अपने आमाल है, वो अलग चीज है, है? ठीक तो यहां पर कहा जा रहा है कि तुमसे किसी और के बारे में सवाल किया कि जिनकी जिम्मेदारियां तुम पर दे दी गई हैं तो उनका सवाल तुमसे किया जाएगा ठीक है ये एक उम्मत थी बेशक वो गुजर गई उसके लिए जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुम कमाई कर तुमने, तुमने कमाया और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा उसके बारे में अन बारे में अबाउट माँ जो उसके बारे में जो वो सब अमल करते कानून थे आयत नंबर 135 वकलू कुनु हुदन औ नसरा और क़लू उन सब ने कहा काफ इसका रूट वर्ड है क़लू और उन सब ने कहा कुनु कुनु कुन से बना है कुन सिंगुलर है कुनु प्लूरल है वाव अलफ लग गया कुनु तुम सब हो जाओ वाव अलिफ से प्लूरल हो गया कुन का प्लूरल। कुन हम कहते हैं ना हो जा तो उसी का प्लूरल है और उन सब ने कहा तुम सब हो जाओ यहूदी वाव हु इसका रूटवर्ड है और ना नून फौदरा इसका रूटवर्ड है यहूदी या नसवारा ईसाई बन जाओ या ज्यू बन जाओ ठीक है ज्यूज और, और सब ने कहा कि हो जाओ नसौरा यानी क्रिश्चियंस ताह ता तुम वालिफ सब ता, यतान का ता है वाहिफ लूरल के लिए आ गया सब तुम सब हा दाल या इसका वर्ड है हदा हिदायत पालोगे तुम सब हिदायत याफ्ता हो जाओगे तुम सब हिदायत पालोगे कुल आप फरमा दीजिए ये हुक्म है कमांड है ऑफ वाउलाम इसका वर्ड है कुल आप फरमा दीजिए बल बल्कि मिल्ल इब्राहिम हनीफा बल बल्कि मिल्ल दीन इब्राहिमा इब्राहिम का मिलत इब्राहिम इब्राहिम का दीन तो क्या था हनीफा हनीफा यानी दीन था बगैर किसी शर्क के अच्छा मिल्ल का जो वर्ड है मीम लाम लाम हमने बताया नहीं था पहले भी मी, मीम लाम लाम तो अपराइट दीन है हनीफा मतलब द स्ट्रेट द अपराइट बिल्कुल सीधा उसके अंदर किसी किस्म की कजी कोई टेड़ कोई शर्क कोई रैब मिला हुआ नहीं था तो बल्कि आप फरमा दीजिए बल्कि इब्राहिम अलैहि का दीन तो हनीफा था यानी बिल्कुल अपराइट था बिल्कुल सीधा था बिल्कुल आ, मतलब रष्ट पर था और बिल्कुल यकसू था यानी उसमें ना शिरक था ना किसी किस्म का कुफर था ना रैब था ना शक था अल्लाह सुबहान ला शरीक की वो क्या करते थे इबादत करते थे बगैर किसी शिरक को मिलाकर आप फरमा दीजिए बल्कि मिलत इब्राहिम दीन इब्राहिम का दीन तो हनीफ था यकसू था व माँ काना मिनल मुशरकिन नहीं काना वो था या वो थे हम तर्जुमा करेंगे वह और माँ नहीं अब देखिये यहाँ पर माँ का तर्जुमा नहीं में आ रहा है काना थे और नहीं थे वो मिन से अमंग करने वाला और ईना लग गया शिरक करने वाले प्लूरल हो गया शिरक करने वालों में से और उन सब ने कहा कि हो जाओ यहूदी या न वो तो तुम सब हिदायत पालोगे आप फरमा दीजिए तो में से अब देखिए इन लोगों ने क्या कहा कि जो यहूद और नसारा होते हैं बस वही हिदायत याफ्ता होते हैं और दूसरे दीन की जो पैरवी करने वाले होते हैं तो वो क्या होते हैं वो गुमराह होते हैं तो जो तुम में सारे लोग अगर तुम यहूद या नसारा बन जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे हिदायत पा लोगे अल्लाह सुबहान फरमा रहे हैं कि तुम कहते हो कि हम मिल्ल इब्राहिम को फॉलो करते हैं हम इब्राहिम के दीन को फॉलो करते हैं तो इब्राहिम सलाम तो ना कभी यहूदी थे ना न थे यानी इब्राहिम तो ये सारी जो डिवीजन हुए हैं जो फिरके हुए हैं ये जो इतने सारे सेक्ट बने हैं ये तो बहुत बाद में उनके अः वफात के भी कई सौ सालों बाद ये सारा कुछ बना है ये जो फिरके है यहूदी है या नसारा है तो तुम कैसे कह सकते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे यहूदी या नसारा और हम उसके फॉलोवर हैं तो तुम भी अगर उस दीन को फॉलो करोगे तो तुम क्या हो जाओगे हिदायत याफ्ता हो जाओगे तो अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया कि दीन इब्राहिम तो हनीफ था वो उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि वो यहूदी थे, थे, थे या नसारा थे ज्यूस थे या क्रिश्चियन थे तो जब वो यकसू मुसलमान थे जब उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया था तो बस उन्हीं के दिन पर चलो और उन्होंने किसी भी किस्म का शिरक नहीं किया उस शिरक करने वालों में से भी ना थे ठीक है तो ये दीने हनीफ की खसूसियत हनीफ कहा जाता है बिल्कुल सीधा होना यकसू होना यकसू मतलब मोनोथीस्ट होना मतलब इसमें किसी भी किस्म का शिरक का शायबा भी ना हो जिसमें ठीक है चले हम यहीं पर स्टॉप करते हैं रिवाइज करके मुकम्मल करते हैं और उन सब ने कहा हो जाओ यहूदिया तुम सब हिदायत पर आ जाओगे आप फरमा दीजिए बल्कि इब्राहिम का दीन तो हनीफा है हनीफा यकसू है बिल्कुल सीधा दीन है और नहीं थे वो मुशरिकों में से अब तमाम आयतों को हम रिवाइज करते हैं इनशाला आयत नंबर 130, 130 और जो बेरगबती दिखाएगा रगीबा अन ठीक है और जो बेरगबती दिखाएगा मिलत इब्राहिम दीन इब्राहिमी से और कौन है जो बेरगबती दिखाए दीने इब्राहिम से सिवाय जो बेवकूफ बना रहा है अपने आप को अपने नफ्स को और अलबत् तहकीक चुन लिया हमने उन्हें इब्राहिम को दुनिया में और बेशक वो यानी इब्राहिम आखिरत में सॉलिहन में से हैं यानी नेकोकारों में से हैं अलबत्ता नेकोकारों में से है आयत नंबर वन जब कहा अल्लाह सुबहान ने उनके लिए या उनसे उनके रब ने और जब कहा उनके लिए या उनसे उनके रब ने अस्लिम फर्मा बरदार हो जाओ कहा इब्राहिम ने असलम तू मैं फरमा बरदार हो गया तमाम जहानों के रब के लिए अब यहाँ पर तमाम जहान के लिए हमने देखे जब हम बनी सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था जब अल्लाह ने कहा फद्दल तू तू जो तमाम जहानों के ऊपर हमने तुम्हें फजीलत दी तुम्हे फजिलत दीकमी हमने तुम्हें तमाम जहान पर क्या दी फजीलत दी तो हमने आपको बताया था जब वहां पर बनी इसराइल का तस्करा आ रहा था तो अल आलमीन का तर्जुमा आपने करना है तमाम जहां के लोगों पर फजीलत दी और बाकी जहानों पर नहीं तमाम जहां के लोगों पर लेकिन जब रब के मुतालिक ये बात आती है तमाम जहानों के लिए अल-आलमीन जो लफ्ज आएगा तो इसके अंदर तमाम जहान का मतलब तमाम जहान ही होगा तमाम जहान के लोग नहीं होगा यानी जहां जा, फिर सारे आ गए इंसान भी आ गए फिर जिन्नात का जहान है फिर फरिश्तों का जहान है नूरी नारी तमाम मखलूकों के जहान है फिर पानी का जहान है बर्रो बर बर्रो बहर का जहान है हवाओं का जहान है और फिर पानी का जहान है फिर उसके बाद ऐसे ही देखा जाए तो बहुत सारी दुनियाएं उनका जहान है दुनिया का जहान है आखिरत का जहान है तो सारे जहानों का रब तो हर जितने भी जहान है जितने भी वर्ल्ड है अल्लाह सुबहान तला उनका रब है यहाँ पर हम ये तर्जुमा नहीं करेंगे तमाम जहानों के लोगों का रब ठीक है तो यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी वास्ट है क्योंकि इसका ताल्लुक और इसके नस्बत रब से है जब कहा आपके रब ने उसके लिए या उनसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब ने सॉरी जब कहा अल्लाह सुबहान व तआला ने तो अल्लाह के लिए यहाँ पर रब वर्ड आ गया और जब कहा उनके लिए या उनसे उनके रब ने असलिम फरमा हो जाओ कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मैं फरमा हो गया तमाम जहानों के रब के लिए तमाम जहानों के रब के लिए मैंने अपना आप को झुका दिया आयत नंबर 132 और वसीयत की उसकी इब्राहिम ने उनके बेटों को और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी वसीयत की ये और वसीयत की और कहा ए मेरे बेटो बेशक अल्लाह चुन लिया है तुम्हारा बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन को दीन इस्लाम को तो नहीं तुम्हें मौत आए सिवाय इस हाल में के तुम मुसलमान हो फर्मादार हो सिवाय और तुम मुसलमान हो यानी इस हाल में के तुम फर्मा बरदार हो आयत नंबर वन थर्टी थ्री या तुम थे मौजूद क्या तुम थे मौजूद या गवाह जब आई याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत यानी मौत का वक्त करीब आ गया जब कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके बेटों के लिए या अपने बेटों से किसकी तुम सब इबादत करोगे मेरे बात से उन सब ने कहा हम इबादत करेंगे आपके माबूद की और आपके बाप दादा के माबूद की आपके बाप दादा इब्राहिम इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इलाहन वाहिद जो के एक मबूद है एक इलाह है और हम उसी के फरमा बरदार हैं उसी के लिए सरेंडर करने वाले हैं। आयत नंबर 134। वो एक उम्मत थी अलबत् गुजर चुकी उसके लिए जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुम कमाते हो जो तुमने कमाई की और नहीं तुम सबसे सवाल किया जाएगा उसके बारे में जो वो सब थे अमल कर रहे थे वो सब अमल कर रहे थे उसका तुमसे सवाल ना किया जाएगा आयत नंबर 135 और उन सब ने कहा यानी यहूद और नसारा ने कहा हो जाओ तुम सब हो जाओ तुम सब बन जाओ यहूदी या नसरानी यानी ईसाई तुम सब हिदायत पा जाओगे या यहूद और नसारा बनोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे आप फरमा दीजिए बल्कि इब्राहिम का दीन तो हनीफ था यकसू था और नहीं थे वो मुशरिकों में से शिरक करने वालों में से अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 135 तक मुकम्मल हो गई बारीम वनफानी विक्री व आयातल सुबह अल्लाम सुबह वबी हमदे का نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم امين يا رب العالمين جزاكم الله شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته